370 हटाते वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रेब किया गया। सालों साल आप लोगों को जेल में बंद रखकर आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते। ये तमाम तर बयान है जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के। आपको बता दें इन दिनों जो है उमर अब्दुल्ला साहब वादी कश्मीर के दौरे पर हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से खिताब कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला ने कल वादी कश्मीर में कहा कि आप सालों साल लोगों को जेलों में बंद करके लोगों के दिल नहीं जीत सकते। 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रेब किया गया, लेकिन 4 साल के बाद आज 370 की असली हकीकत सामने आई। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि हर जगह आप झंडे लगाने से आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। 370 की वजह भाजपा ने यह कहा था कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में आलादगी पसंद लोग तभी रहते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज भी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर 370 है, जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से यहाँ पर बंदूक है, यहाँ पर मिलिटेंसी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 4 साल ख़त्म हो चुके हैं जनाब, आप हमें बताइए कि 4 साल में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला। जम्मू कश्मीर का आईन ख़त्म किया गया, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था उसे ख़त्म किया गया, जम्मू कश्मीर स्टेट जहाँ पहले तरक्की की राह पर गामजन थी उसे निचली सतह पर लाया गया है, जम्मू कश्मीर में बद से बदतरीन हालात किए गए हैं। लेकिन मरकज़ की भाजपा हुकूमत जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पर लोगों को झूठ बोल रही है। 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रेब हुआ है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में बंदूक ख़त्म होगी, अलायदगी पसंद लोग जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो गए, यहाँ पर पत्थरबाजी ख़त्म होगी, यहाँ पर मिलिटेंसी का खात्मा होगा। लेकिन 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आए दिन हम देखते हैं राजौरी जैसे इलाकों में इनकाउंटर होते हैं। उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि 4 साल के बीच में भी, 370 ख़त्म होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में क्यों आज भी मिलिटेंस यहाँ पर मौजूद हैं, मिलिटेंस का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर में किस नौजवान को 4 सालों में जम्मू कश्मीर के एल जी इंतजामिया ने रोज़गार दिया है। अगर जम्मू कश्मीर में कोई बीजेपी की मुखालफत करे उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एल जी इंतजामिया के साथ साथ बीजेपी हुकूमत ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ के सियासी लीडर्स को अलग अलग जगहों पर दौरा करने के लिए आप कहते हैं कि ये लोग भी टूरिस्ट हैं तो फिर आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, आप भी हमारी तरह लोगों से मिलते हैं, हम भी लोगों से मिलते हैं, हमें आप टूरिस्ट में शामिल मत कीजिए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो बी और सी टी में जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं उनके लिए मेरा एक मशवरा है कि आप कश्मीर की बात नहीं करते, लेकिन आप उन कश्मीरियों की बात कीजिए जो यूपी के अंदर इस वक्त परेशान है। यूपी में किस तरह से पुलिस स्टेशन में बुलाकर कश्मीर के लोगों को तंग किया जा रहा है। चलिए छोड़िए जनाब, आप कश्मीरियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप यूपी में रह रहे उन मुसलमानों की बात कीजिए, जिन मुसलमानों के घर में अगर कोई हलाल जैसी चीज़ घर में पाई गई थी उसे जो है गैरकानूनी कहा जाता है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया जिन्हें बी और सी टीम का टैग लगा हुआ है। उनने कहा कि आपने 370 के नाम पर जो है हाथ खड़े कर दिए, लेकिन कम से कम उन लोगों की बात तो करिए आप जिनसे आपने वोट लेने हैं। अच्छा होगा कि आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करने के बजाय आप अपने रसूख जो है वो इस्तेमाल करें, उन कश्मीरी लोगों की परेशानियों से जो है निकालें जो यूपी के अंदर इस वक्त परेशान है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को लोगों के जज्बात की कदर करनी होगी, लोगों के मसलों मसाइल को हल करना होगा, लोगों के मसलों मसाइल समझने होंगे। यहाँ पर लोगों को आप ज़बरदस्ती जो है अपना नहीं बना सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि सालों साल हम लोगों को जेलों में बंद रखेंगे उसके बाद लोग हमें वोट करेंगे या लोग हमें पसंद करेंगे, आपकी भूल है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जज्बात को समझना होगा। उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कहा गया था कि बिजली 24 घंटे दी जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में बिजली नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी, लोग आज भी बिजली से महरूम हैं, स्मार्ट मीटर चल रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं मिल रही। बहरहाल उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर आज जम्मू कश्मीर की जो बी और सी टीम है वो क्या कुछ जवाब देंगी, क्या कुछ रिएक्शन देंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।